दमदार आइडिया में बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं पीवी सरकार दमदार आइडिया से आपके लिए आज जो वीडियो लाया हूँ, ये वीडियो है ये डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस क्यों करना चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है जो कि टाइम पास करना चाहता है, तो वो कृपया करके इस वीडियो को मत देखिए, स्किप कर दीजिए। और हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो हमारे देश में बहुत बेरोज़गार, हमारे जैसे गरीब और मिडिल क्लास परिवार से हैं, उनके लिए है, जिनके पास पूंजी कम है, उनके लिए वीडियो है। आप अगर मेरा दूसरा वीडियो नहीं देखे तो आप देख के आराम से आप कम पैसे में बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ जाते हैं टॉपिक में कि डिटर्जेंट पाउडर का बिज़नेस क्यों करना चाहिए। डिटर्जेंट पाउडर का बिज़नेस इसलिए करना चाहिए, देखिए अभी तो इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी बहुत सारा कंपनी ठप हो गया है और बहुत आदमी बेरोज़गार भी होने वाला है और हो भी गया है। तो दोस्तों, जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो आदमी को काम धंधा चाहिए, और जो पहले से कर रहा था उनके पास भी अभी बहुत आदमी के पास काम भी नहीं रहेगा, तो वो चाहे तो थोड़ा बहुत पूंजी खर्चा करके, पूंजी लगा के इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है। लेकिन आपसे वही रिक्वेस्ट है, रिपीट कर रहा हूँ कि टाइम पास मत कीजिए। बहुत आदमी ऐसा है जो टाइम पास करता है, बस पूछते रहता है इसका रेट क्या है, उसका रेट क्या है, ऐसा नहीं चलता है दोस्तों। अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो मन में बना लीजिए, मुझे बिज़नेस करना है और मुझे आगे बढ़ना है। अरे दोस्तों, अगर आप टू व्हीलर ख़रीदने का सपना देखोगे तभी आप साइकिल ख़रीद पाओगे, अगर आप फोर व्हीलर का सपना देखोगे कम से कम टू व्हीलर तो खरीद ही पाओगे। क्योंकि आदमी क्या है ना, सपना जिस हिसाब से देखता है उस हिसाब से आदमी मेहनत भी करता है। ऐसी बात नहीं है कि आप सपना देखोगे और मेहनत नहीं करोगे तभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। और मतलब बिजनेस में फेलर होने का मैं जहाँ तक स्टडी किया हूँ, फेलर होने का मेन रीज़न होता है एक्सपीरियंस। क्योंकि आपको मार्केट के बारे में एक्सपीरियंस नहीं रहता। अगर डिटर्जेंट पाउडर बिजनेस करना चाहते हो तो कम से कम बहुत दिन तक आपका मार्केट के ऊपर सर्वे कीजिए कि किस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ चल रहा है। जैसे कि कुछ आदमी को सफाई अच्छा चाहिए, कुछ आदमी को झाग चाहिए, कुछ आदमी को परफ्यूम अच्छा चाहिए, तो ये सब दिक्कत होता है। क्योंकि मैं जब मार्केटिंग करता था मेरे टाइम में भी ऐसे ही दिक्कत होता है, किसी को सफाई चाहिए तो किसी को झाग चाहिए। तो उस सब चीज़ को आप एक डायरी ले लीजिए और उसमें नोट कीजिए, तो उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट आप खुद ही बनाइए। और रही बात इसमें फेलर होने का, फेलर इसीलिए होता है क्योंकि आदमी, जैसे कि फॉर एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ, एक आदमी जैसे कि पानी, नदी का पानी देखा, उनको परखा नहीं कि उसमें कितना पानी है, उनको तैरना नहीं आता है, और उसमें छलांग लगाया और डूब गया। उसमें पक्का डूबने का इसलिए चांस रहता है क्योंकि उनको ना तो तैरना आता है ना उनको पता था कि इसमें कितना पानी है, तो इसीलिए डूबता है। तो आदमी भी ऐसे ही करता है कि उनको पता नहीं, उसको मन में आ गया हाँ मुझे बिज़नेस करना है, तो तुरंत छलांग लगाता है, मशीन खरीद लेता है, रॉ मटेरियल खरीद लेता है, पैकेट बना लेता है, उसके बाद बिज़नेस शुरू कर देता है। कुछ दिन के बाद देखता है कि उनका प्रोडक्ट चलता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बार बार आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके मार्केट का सर्वे कीजिए, तो उस हिसाब उस साइड में कौन सा ब्रांड चल रहा है। जैसे सर्फ एक्सेल है तो सर्फ एक्सेल जैसा ब्रांड बनाइए, उनके जैसा क्वालिटी बनाए, उससे अच्छा क्वालिटी बनाइए, रेट कम रखिए। अगर आपका घड़ी चल रहा है तो घड़ी से अच्छा क्वालिटी बनाइए, उससे रेट कम रखिए। ठीक है, तभी आप सक्सेस हो सकते हो दोस्तों, वरना नहीं सक्सेस हो सकते हो। ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो कि आपको इतना आगे ले जा सकता है कि आप सोच भी इमेजिन नहीं कर सकते हो कि आपको कितना आगे ले जा सकता है। पर डे आपको बहुत इनकम कर सकते हो आप, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप टाइम पास नहीं करोगे, कड़ा मेहनत करोगे, और जो है मेन चीज़ है आपको मार्केटिंग ठीक ठाक करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हमारा जो पटेल सर है, गुजरात से है,
निरमा का फाउंडर है, उन्होंने भी जब ये डिटर्जेंट पाउडर स्टार्ट किया था बहुत ही छोटा स्तर से स्टार्ट किया था। तो वो क्या है, डोर टू डोर सप्लाई करता था अपना नौकरी के साथ साइकिल में जाके। तब शर्माता नहीं था, ये नहीं उनके मन में ये नहीं था कि और ईगो भी नहीं था कि हाँ भाई मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मैं किस लिए डोर टू डोर सप्लाई करूँ। अगर उनके मन में वही रहता कि हाँ यार मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं किस लिए इस बिज़नेस को करूँगा, लोग क्या सोचेंगे, घर वाला क्या सोचेंगे, तो अगर उनका मन में ये रहता तो आज भी वो जो पहले जो कंपनी में नौकरी कर रहा था तो वही उस समय उनका पेमेंट जो था मान लीजिए 1000 रुपये था, तो 1000 रुपये में 1000 से ज़्यादा 50,000 रुपये उनका पेमेंट होता तो उसी में रह जाता। लेकिन आज पटेल सर का कंपनी में, निर्मा का कंपनी में 15,000 एम्प्लॉय है। आप सोच सकते हो कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसका पीछे मेन है उनका मेहनत, कड़ी मेहनत। तो दोस्तों आप लोग से भी मैं यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। अगर सक्सेस बनना चाहते हो लाइफ में तो 100% मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, अदरवाइज आप फेलर हो जाओगे। नहीं तो अगर आपके मन में है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, अगर आपके मन में विश्वास नहीं है तो इस बिज़नेस को मत कीजिए। चाहे डिटर्जेंट पाउडर हो या साबुन हो, किसी भी चीज़ का बिज़नेस हो, आप मत कीजिए। जब तक मन को आप मतलब 100% ये बना नहीं लेते हो कि मुझे बिज़नेस करना ही है, तब तक आप इस बिज़नेस में मत उतरिए। और एक चीज़ है, इस बिज़नेस में आपको पागल बनना पड़ेगा। पागल का मतलब ये नहीं कि जो रोड में घूमना है वो पागल नहीं है, पागल का मतलब है चाहे दुनिया कुछ भी बोले लेकिन आपका जो एम है, आपका जो लक्ष्य है, उसी को आपको प्राप्त करना, उसके लिए चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, दुनिया कुछ भी बोले, चाहे पागल बोले कुछ भी बोले, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है दोस्तों, ठीक है। तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। और इस बिज़नेस दोस्त के सुबह उठते ही आदमी को चाहिए साबुन हो, सर्फ हो, कोलगेट हो, कुछ भी हो, टूथपेस्ट हो, कुछ भी हो, ये सब चीज़ आदमी को सुबह उठते ही चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोग से बोल रहा हूँ, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो सीरियस होके इस बिज़नेस को शुरू कीजिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई चिंता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।